तो हम लोग पिछले दिन जितने सारे फॉर्मूला थे लॉगरिथम का, जितने सारे रूल्स थे है ना, और इसके बारे में भी बताया था। बताइए लॉगरिथम का जनक कौन था? जॉन नेपियर थे, है ना। उन्होंने ही जो लॉगरिथम को सबसे पहले समझाया था सभी को, बड़े बड़े कैलकुलेशन को छोटे छोटे टर्म में, तो यानी कि गुना को जोड़ में बदल करके, भाग को घटा में बदल करके समझाया था, है ना, कि बड़े बड़े कैलकुलेशन को आसानी से लॉगरिथम के माध्यम से किया जा सकता है। ये सब किसने बताया था? जॉन नेपियर ने बताया था। तो इसलिए लॉगरिथम का हम फादर किसे बोल सकते हैं? जॉन नेपियर को बोल सकते हैं, क्योंकि फादर तो उसी को बोला जाता है ना, जो जिस व्यक्ति का किसी सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा योगदान होता है उसी को तो फादर बोला जाता है। तो आज के चैप्टर में हम जितने सारे प्रश्न है उसको सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। और अगर एग्जाम में अगर आया वो प्रश्न, चुटकियों में आप बना दोगे, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने की बात है। वीरू सर साथ में है तो टेंशन कहाँ ले रहे हो। बोलो प्रश्न संख्या। कोई हंसने की जरूरत नहीं है, देखिए एकदम बहुत इजी था। देखो, यदि, सुनो ध्यान से, यदि log 10 टू दी पावर x बराबर y हो तो log 1000 के पावर x स्क्वायर बराबर है। तो ऑप्शन चार को दिया है आपको, तो चलो इससे पहले हम आपको बताने से पहले एक फॉर्मूला बता देते हैं। अगर log a टू दी पावर n इंटू बी टू दी पावर m रहता था, तो m बटा n और log a के पावर b होता था कि नहीं होता था? फॉर्मूला देखिए, इतना बराबर रहता था तो ये होता है ना। चलो देख लेते हैं। अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ सोल्व पहले करते हैं। सोल्व करते तो अभी उसका यूज नहीं करेंगे, आगे देखते हैं। लेकिन log 10 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं 1000 को, और 10 टू दी पावर 3 किसी चीज का, किसी के लॉग रहता है, बेस अगर 10 रहता है तो उसको क्या कहते हैं? सामान्य, है ना, सामान्य लॉगरिथम कहते हैं ना, समान लघु गणक। अब यहाँ x स्क्वायर ए हो गया, हुआ ना जी। अब क्या लिखेंगे इसको? हम 2/3 लिखेंगे, और log 10 के पावर x हो जाएगा। अब इतना बराबर y है बाबू, तो 2/3 y हुआ आंसर। आंसर बाबू हुआ कि नहीं बाबू? बोलो बाबू। या बहुत हार्ड था, बोलो तुम ही अपने से बोलो। बहुत इजी था, तो कोशिश नहीं किया तुम लोग? यही फॉर्मूला ना लगा यहाँ पे, यही ना लगा जी? तो पहले था, अभी 10 टू दी पावर एक सही है, तीन दिले पहले ही प्रश्न में दे दिया है। अब नेक्स्ट बताओ, दूसरा नंबर बन गया। अच्छा चलो दूसरा नंबर देख लेते हैं। कौन सा बना पूछना है बोलो? आप तीसरा बोल रहा है, तीन नंबर। देखो, यदि एफ एक्स बराबर log e टू दी पावर साइन एक्स है, तथा फाई, इसको बोलते हैं फाई, पेट चीर दिए था फाई, है ना, फाई एक्स बराबर log e टू दी पावर कोस एक्स है, हो तो e टू दी पावर 2 एफ एक्स प्लस e टू दी पावर 2 फाई एक्स का मान है। अगर ये प्रश्न दिया रहेगा, यदि एफ एक्स का वैल्यू दिया है, फाइव एक्स का वैल्यू दिया है, तो हमको e टू दी पावर एफ एक्स और e टू दी पावर 2 फाइव एक्स का मान क्या होगा? तो सॉल्व करते हैं। तो देखो, e टू दी पावर 2 एफ है, तो एफ एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं? इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? एफ एक्स की जगह इतना लिख सकते हैं ना, क्योंकि पहले ही प्रश्न में दिया हुआ है। तो log e टू दी पावर साइन एक्स लिख दिए, अब प्लस e टू दी पावर 2 फाइव एक्स की जगह उतना लिख सकते हैं ना, log e टू दी पावर कोस एक्स, e टू दी पावर है ना जी, माथा पे है ना, कोस एक्स हो गया। अब देखो आगे करेंगे, तो एक फॉर्मूला अभी आपने अभी हमें बताया कि log a टू दी पावर b के पावर n अगर रहता है तो क्या हो जाता है? n इंटू log a टू दी पावर b हो जाता है।
आगे वाला इधर पीछे चला जाता है, चला जाता है ना है? अरे ना लिखा यार, लिखा गया, लो हो गया ना, ऐसे चला जाता है। जैसे अगर कहेंगे कि log, ऐसे log 2 to the power अगर 8 रहेगा इसको क्या लिखेंगे, इसको log 2 to the power 3 लिख सकते हैं। तो ये लोग 3 कहाँ चल जाता है, इधर, और log 2 to the power 2 रहेगा तब a to the power a1 हो जाता है। इतना तो जानते हो, पिछले वीडियो में हम फॉर्मूला भी बनाए थे। हाँ 3 होगा, इसका वैल्यू 1 होगा है? मतलब इसका वैल्यू खाली लिखे 1, 3 तो अपने समझो। तो देखो यहाँ क्या लिख सकते हैं, e to the power log e to the power sin² होगा, sin² 1, इन पीछे वाला ऊपर चल गया इसका माथा पर, अब प्लस e to the power log e to the power cos² 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 इसके माथा पर चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, हाँ आ भी सकता है जा भी सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि खाली उधर से नीचे आएगा, इधर वाला फिर उठ के माथा पे भी जा सकता है ना। तो देखो इसका वैल्यू जब दोनों घात रहता है समान तो दोनों क्या हो गया, खत्म। अब बचा क्या, sin² 1 प्लस cos² 1 बराबर वैल्यू 1 होता है, होता है कि नहीं, इसका वैल्यू क्या हुआ 1, sin² θ प्लस cos² θ बराबर 9वें 10वें पढ़े हो। इसके बाद बोली कौन सा, 5 नंबर, देखिए आपको पॉलिटेक्निक के फ्री में पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, अब इसका आप लोग फायदा उठाइए, नहीं फायदा उठाइएगा तो आपसे नुकसान होगा। चलिए बोलिए आगे बोलिए, 4 नंबर बाबू देखो, log b to the power a into log c to the power b into log a to the power c का मान पूछ रहा है, मान क्या होगा, सुनो इधर बाबू इधर ध्यान दो। तो क्या देखो, log a to the power b रहता है तो हम इसको लिख सकते हैं log b to the power log a, ऐसा फॉर्मूला बताए थे है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम आगे कि log a to the power log b गुने log b to the power log b बटा log log c गुने log c बटा log a, तो c से c खत्म, b से b खत्म, a से खत्म, बराबर 1 आंसर। बढ़िया था, सब फॉर्मूले में तो है बाबू, इसी ने फॉर्मूला था ना, उसी तो बटा कर दिया, और देख रहे हैं कि सब कट रहा है, 1 वैल्यू आंसर आ गया, कितना इजी था। लेकिन इसके लिए आपको फॉर्मूला याद करना होगा है ना। अब पिछला वीडियो में हमने क्या बताया, फार्मूला बना ही दिया है, जितना सारे रूल्स हैं लॉगरिथम का फार्मूला जितने सारे सब तो बता ही दिए हैं, तो वो फार्मूला और रूल्स अगर याद रहेगा तो लॉगरिथम एकदम चटनी है। नहीं हार्ड है, बोलो तुम ही अपने से, नहीं बहुत ईजी है। आगे बोलिए कौन सा प्रश्न पूछना है, 5 नंबर। देखो 5 नंबर में प्रश्न संख्या क्या है, बोल रहा है कि यदि यदि 2 log 8 to the power m बराबर p दिया है, log 2 to the power 2m दिया है, n दिया है बाबू, बराबर q, प्लस में देख लेना अपने से ठीक है, और ना ठीक नहीं है, देखो कहाँ ही वाला, अच्छा कोई बात नहीं ठीक है, ऐसे कर दिए ना, और क्या दिया है, q माइनस p बराबर 4 है हो, तो m का वैल्यू जो यहाँ पे दिया है वो कितना होगा, ये जो m दिया है दोनों जगह उसका वैल्यू कितना होगा, ये नहीं पूछ रहा है। तो चलो सोल्व करते हैं, इसमें कुछ नहीं करना, देखो P का वैल्यू दिया है, Q का भी वैल्यू दे, तो क्या इसमें रख सकते हैं दोनों का वैल्यू, आराम से रख सकते हैं, तो देख लेते हैं, तो उसी से देख लेते हैं, Q का वैल्यू कितना है, E है, तो log 2 to the power 2m, और माइनस P का वैल्यू यहाँ है तो 2 log 8 to the power m होगा कि नहीं होगा, और बराबर 4 हो जाएगा, इतना में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं।
इसको तोड़ देते हैं तो क्या log के log a टू द पावर m इंटू n रहता है, तो log a प्लस log log m प्लस log n होता है ना, log टू टू द पावर टू अब प्लस log टू टू द पावर m करेंगे तो कोई दिक्कत होगा, इसको करेंगे इसको इधर वाले को खाली कहा अलग अलग न हो गए बाबू, गुना में है तो जोड़ में नहीं बदलेगा, पावर जो गुना में है तो जोड़ में बदलेगा कि नहीं बदलेगा, नहीं नियम नहीं जानते हो तब नहीं जानोगे तो फिर लिख भी देंगे हम, समझ लो नुकसान तुम्हारा होगा। इसके बाद देखो यहाँ क्या कर सकते हैं कि पावर ऊपर जा सकता है, देखो तो लॉग लॉग क्या हो गया टू लॉग एट के पावर टू एम हो गया, हुआ कि नहीं हुआ पावर, चल एस एम के पावर टू होगा, एम के पावर टू, एम के पावर टू हो जाएगा ना बराबर चार। देखो लॉग अगर आधार समान रहेगा पावर भी समान रहेगा उसका वैल्यू वन होता है, लॉग ए टू द पावर ए बराबर वन होता है फॉर्मूला, तो यहाँ वन कर दिए अब प्लस लॉग यहाँ पे टू के पावर एम अब माइनस, अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं लॉग टू टू द पावर थ्री लिख सकते हैं ना आठ को, अब इंटू एम टू द पावर टू लिख सकते हैं ना, अब बराबर क्या हो गया चार ना चार, ठीक है दो, अब क्या होगा लॉग टू टू द पावर एम, अब इधर जाएगा तो तीन बार बन जाएगा एक घट जाएगा तो क्या लिख सकते हैं माइनस, अब यहाँ क्या हो जाएगा दो बटा तीन और लॉग टू टू द पावर एम हो जाएगा कि नहीं होगा, टू बटा थ्री होगा ना फॉर्मूला के अनुसार अभी लिखे थे बराबर तीन, यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ बाबू बोलो, नहीं ना दिक्कत हुआ, अब आगे देख लो, जब दिखते नहीं होगा तो आगे देख लो, देखो log 2 टू द पावर m log 2 टू द पावर m दोनों में मौजूद है तो कॉमन तो आराम से ले ही सकते हैं, देखिए log 2 टू द पावर m कॉमन लिया 1 माइनस टू बटा थ्री हो गया अब बराबर तीन हुआ, चलो देख लेते हैं आगे log 2 टू द पावर m और तीन और दो तीन माइनस दो घटा तो एक बटा तीन हो जाएगा, एक बटा तीन हुआ यहाँ पे बराबर तीन, मतलब भीम के घटाव ले लिए तो कितना आएगा वन बटा तीन, चलो समझा दे कैसे एक बटा तीन हुआ, क्योंकि घटाव करने के लिए सीधा शॉर्ट ट्रिक तीन माइनस दो एक बटा तीन, ठीक है अगर यही प्लस रहता तो तीन और दो पांच बटा तीन हो जाता प्लस रहता तो, ठीक है अब उधर गया है तो चलो इंक बदल के लिखते हैं, इतना तो समझ में आ गया बाबू, तो क्या आप आगे लिख सकते हैं लॉग टू टू दी पावर एम, एम है ना जी एन लिखा जाता है ना, अब बराबर नौ हो जाएगा तीन तीन नौ, देखो हम एगो फॉर्मूला लिखाए थे आपको कि लॉग टू टू द पावर अगर एक्स रहेगा बराबर अगर चार है तो एक्स का वैल्यू अगर निकालना होता है तो ये घात आधार कहाँ चला जाता है इसका जगह चला जाता है और टू टू द पावर फोर हो जाता है तो यानी एक्स बराबर सोलह हो जाता है आंसर, कले बताए थे ना वीडियो भी अपलोड कर दिए उसका, तो उसका देखिए तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं एम का वैल्यू अगर निकालना होगा तो टू टू द पावर नाइन होगा क्योंकि ये आधार किसके यहाँ इसके आधार पर चला जाएगा, तो क्या टू टू द पावर नाइन कितना होता है 512, तो एम का वैल्यू कितना आया 512 आंसर, बढ़िया था, खाली फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है और उसी का उपयोग करना है यूटिलाइज करना है कि नहीं, फिर समझा दे एक बार, चलो देखो इतना दिया है पी बराबर क्यू बराबर दिया है क्यू माइनस पी बराबर चार दिया है एम का वैल्यू पूछ रहा है ना, तो देखो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे Q का वैल्यू मान कर दिए तो Q का वैल्यू कितना था ये था तो रख दिए यहाँ पे माइनस P का वैल्यू है देखो माइनस P तो P का वैल्यू इतना लिख दिए बराबर चार लिख दिए, ठीक है अब इसको हम क्या कर सकते हैं कि देखो ये दोनों गुना में है ये दोनों गुना में है पावर दो गुने तीन दो गुने एम है तो दो गुने एम रहता है तो गुना को किस में बदल सकते हैं हम लॉगरिथम के माध्यम से जोड़ में, तो हम क्या किए टू टू द पावर टू कर दिए प्लस लॉग टू टू द पावर एम कर दिए ये हो गया एक हो गया ना ये पूरा काम हो गया ना इसका, अब देखो माइनस देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग कि पीछे रहता है तो उसको पावर में भेज सकते हैं उसका पावर रहेगा तो पीछे भेज सकते हैं है ना, तो लॉग एट के पावर एम स्क्वायर हो गया एम के पावर टू हो गया बराबर चार हो गया, देखो यहाँ पे इसका किसी भी लॉग रिथम का अगर बेस समान रहेगा पावर भी समान रहेगा यानी लॉग टेन टू द पावर टेन रहेगा तो उसका वैल्यू वन, लॉग पाँच के पावर पाँच रहेगा तब उसका वैल्यू वन, लॉग टू के पावर टू रहेगा तो उसका वैल्यू वन, समझ में आया ऐसे लिखवाए थे कि लॉग ए टू द पावर ए बराबर वन होता है
अगर लॉग ए टू द पावर वन बराबर जीरो होता है, मतलब किसी भी लॉग के पावर अगर एक रहेगा तो उसका वैल्यू जीरो, अगर लॉग किसी भी लॉगरिथम में पावर समान रहेगा तो उसका वैल्यू वन। तो वही बात तो हुआ वन यहाँ पे ना। इसके बाद लॉग टू टू द पावर एम छोड़ दिए, अब इसको क्या कर सकते हैं, आठ को दो के पावर तीन तो लिख ही सकते हैं, दो का दो चार, चार दूनी आठ, इसे तो कर ही सकते हैं बराबर चार। अब यहाँ क्या करेगा, तीन को उधर भेज दिया गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा, एक भेजेंगे इधर तो तीन हो गया, इधर एक इधर से प्लस से माइनस में जाएगा तो तीन होगा ना। अब देखो लॉग टू टू द पावर एम रह गया। अब देखो एक फॉर्मूला भी हम लिखाए थे कि लॉग ए टू द पावर एम और बी टू द पावर एन रहता है तो इतना बड़ा फॉर्मूला होता है एन बटा एम और गुने लॉग ए टू द पावर बी होता है ना। तो देखो एकरो में है दो बटा तीन है ना, एम एन के जगह पर क्या है तीन दो है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो बटा तीन और लॉग टू टू द पावर एम बच जाएगा, जैसे वहां पे बच गया था लॉग ए टू द पावर बी बच गया था तो वैसे बचा दिए। और दोनों में कॉमन दिख रहा है कि लॉग टू टू द पावर एम इसमें भी है, लॉग टू टू द पावर इसमें भी है एम, तो दोनों कॉमन ले लिए, बचा क्या, ई बच गया, कैलकुलेटर किए तो वन बटा तीन हो गया, तीन से गुना हो गया तो क्या हो गया लॉग टू टू द पावर एम बराबर नौ हो गया। और एक फॉर्मूला भी था, क्या फॉर्मूला ये था कि अगर अभी बताए थे ये वाला देखो, ये वाला यहाँ चल जाता है और टू टू पावर सोलह यानी सोलह आंसर आ रहा था, यहाँ पर अभी नौ है तो टू दो के पावर नौ रहेगा तो कितना होगा पाँच सौ बारह आंसर है कि नहीं। और इसको जा करके बनाना, प्रैक्टिस फिर करना अपने से, और नहीं आएगा तो वीडियो एक बार और देख लेना, ठीक ना। बोलो और सब, और प्रश्न बोलो। आए बहुत ईजी है सोनाली का नहीं बनाई होगी, हो सकता है क्या सोनाली, नहीं चलो आगे देखते हैं। तो कौन सा प्रश्न पूछना है बोलो, छः, चलो छः नंबर, छः नंबर में प्रश्न है आपका, देखो दिया बाबू यदि ये ठीक नहीं, इसे वीडियो में अच्छा नहीं आता है प्रकाश एथी कलर, यही दो सबसे बेस्ट है ब्लू एंड ब्लैक, कभी यूज करेंगे तो लाल रेड कर देंगे और कभी कभी ग्रीन कर देंगे। दिया है यदि लॉग टू बराबर 0.30103 है ना, तो लॉग 200 का मान होगा, 200 के मान क्या होगा, देखो सोल्व करते हैं, सोल्व कर दे। अच्छा देखो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लॉग 200 को हम लोग क्या कर सकते हैं, तोड़ के लिख सकते हैं, लॉग 2 का वैल्यू दिया है और लॉग 200 का मान तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं, कितना तोड़ सकते हैं। तो देखो इसमें कुछ करना नहीं है ज्यादा, देखो इसका वैल्यू तो दिया हुआ ही है, इसी को वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। तो हम देखो अगर कुछ एक बार रूल्स लिखवाए थे कि अगर कुछ वैल्यू नहीं नीचे आधार कुछ नहीं दिया रहता है तो उसको क्या मानते हैं, 10 मान लेते हैं है ना, लेकिन 10 को लिखा नहीं जाता है, जैसे किसी भी धनात्मक संख्या के आगे प्लस का चिन्ह नहीं लगाया जाता है अगर अकेले लिखा जाता है तो, या फिर किसी भी नंबर के आगे रहता है तो है ना, जैसे कि अगर चार लिखते हैं तो प्लस चार है, इसका मतलब प्लस छुपा हुआ है इसमें है ना, उसी तरह अगर नीचे आधार में कुछ नहीं लिखा रहता है तो नीचे क्या मानते हैं, 10, और यहाँ भी नीचे 10 मानते हैं और 10 को लिखना जरूरी नहीं होता है, यही ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं कि लॉग 2 × 100 लिख सकते हैं, 200 को लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसको जब गुना में हो गया तो लॉगरिथम का नियम है कि गुना को किस में बदल सकते हैं, जोड़ में, तो क्या हो गया लॉग 2 प्लस लॉग 100। अब इसको देखो आगे करते हैं, लॉग 2 और प्लस लॉग 100 के पावर 2 हो जाएगा, 10 के पावर 2 होगा तो 100 हो जाएगा, और नीचे कुछ नहीं यानी कि 10 छुपा हुआ है कि नहीं, तब आगे क्या हो जाएगा लॉग 2 और प्लस, अब देखो पावर वाला पीछे चला जाता है तो पीछे जाएगा तो कहाँ होगा 2 log 10। अब यहाँ कुछ नहीं तो अब क्या है 10 छुपा हुआ है दोनों जगह, 10 छुपा हुआ है, यहाँ भी कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ भी 10 छुपा लिखा है, अब यहाँ भी कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ भी 10 छुपा हुआ है, समझना है बात। तो अब क्या हो गया, अगर लॉग 10 टू द पावर 2 का वैल्यू दिया है इतना तो लिखिए
0.30103 हो गया, अब प्लस इसका तो 2 हो गया और log 10 टू द पावर 10 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो गुने 1 हो गया। अब जोड़ दीजिए तो कितना होगा, 2.30103 आंसर हो जाएगा। बोलो आसान नहीं था। अभी हम पिछले दिन ही आपको रूल्स लिखवाए थे कि अगर किसी भी लॉगरिथम के आधार में कुछ नहीं दिया हो तो क्या उसको मानते हैं, 10 मानते हैं, लेकिन 10 को लिखा नहीं जाते हैं। जैसे धनात्मक चिन्ह के आगे प्लस का साइन नहीं होता है, उसी तरह लॉग के नीचे अगर आधार कुछ नहीं दिया है तो वहाँ पे क्या होता है, 10, और 10 को जो रहता है 10 वाला लॉगरिथम रहता है उसको सामान्य लॉगरिथम कहा जाता है ना। चलो और प्रश्न बोलिए। समझ में आया ना, बोरी हार्ड था बाबू, बहुत इजी था। आगे बोलिए, 7 नंबर। चलो देख लेते हैं 7 नंबर। देखो 7 नंबर में दिखा रहे बाबू, देखो यहाँ पे लॉग 2 टू द पावर एक्स प्लस 2 है बराबर 16 बराबर लॉग 16 है हो तो एक्स का वैल्यू क्या होगा। बहुत इजी था, नहीं इजी था, देखो सोल्व कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ तो देखल है लॉग 2 टू द पावर एक्स प्लस 2 लिखल है ये है, अब बराबर 16 क्या लिख सकते हैं, लॉग 2 टू द पावर क्या लिख सकते हैं, 4। आधार समान रहता है तो पावर बराबर हो जाता है, यानी x प्लस 2 बराबर 4 हो जाता है, अब x बराबर 2 आंसर आपका आएगा। आएगा कि नहीं आएगा 2, तब बोलो आगे। आगे बोलिएगा। इसीलिए कहते हैं कि घर से मेहनत करके आओ तब यहां समझ में आएगा कौन पूछना है। 8 नंबर देख लीजिए, 8 नंबर में है लिखा है कि यदि यदि 3 log 8 के पावर x = 2 है 2 हो तो x का मान क्या होगा, यही ना पूछ रहा है बाबू। देखो सोल्व कर देते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, सिंपल सिंपल भाषा में बोलो, 8 को चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो देखो क्या कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ कितना है, तुम देखो ध्यान से, अच्छा बेस है 8, वही तो है बेस, कितना है 8 है, इतना है ना बाबू, वही है 8 नंबर प्रश्न, ठीक से देखो पहले, यही तो है, ठीक तो है प्रश्न। यहाँ देखो क्या कर सकते हैं, समझो बात को, बहुत इजी है ये भी, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, लॉग 8 के पावर x लिख सकते हैं बराबर 2/3, इधर से इधर जा सकता है कि नहीं जा सकता है, गुना में है तो भाग में चल गया। अब देखो आगे क्या कर सकते हैं, यहाँ इसको और क्या लिख सकते हैं, x का वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं, इधर कुछ नहीं रहता है तो इधर अगर इसको जाना आधार है तो इधर भी आधार में बदल जाता है, x का वैल्यू निकालना होता है तो 8 के पावर 2/3 हो गया। ये वाला याद रखिए, लॉग a टू दी पावर x बराबर अगर 5 रहता है तो अगर a का वैल्यू x का वैल्यू पूछता है तो क्या है, x बराबर a टू दी पावर 5 होता है ना, होता है कि नहीं होता है, तो उसी तरह यहाँ पे बराबर, अब देखो यहाँ पे x का x बराबर 2 के पावर 3 और गुने 2/3 होगा कि नहीं, 3 खट खत्म, तो x बराबर 4 आंसर। देखो कितना ईजी रहता है, नहीं बहुत ईजी रहता है, कुछ नहीं करना था इसमें, भाग इधर दे देना था, अब ऐसे नहीं करते, मान लीजिए पावर में बदल देते, देखो है हाँ, अगर 3 के पावर 3 भी कर देते हैं तो क्या 3/3 आ जाता है, 2 के पावर, देखो दूसरे तरीके से भी बना के दिखाते हैं आपको, वैसे भी बन जाएगा, देखो अगर दूसरे तरीके से, तो अगर इसको पावर यहाँ पे भेज सकते हैं कि नहीं इसको, तो देखिए तो लॉग 2 के पावर 3 और एक्स के पावर 3 होगा कि नहीं, 8 को 2 के पावर 3 कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना जी। अब इसको भी और देख लीजिए, अब देखिए अब इसी को क्या लिख सकते हैं, 3/3 और लॉग 2 के पावर x होगा ना बराबर 4, कितना दे ले जी, 2 दे ले, इतना होगा ना,
तो ये तो खत्म हो गया, यही खत्म हो गया। बचा क्या, x का वैल्यू 2 के पावर 2 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 होगा। ये वाला फिर यहाँ चल जाएगा ना, वैसे होगा, कैसे होगा, लेकिन करोगे तब करना है। लेकिन बस खाली कदम एगो बढ़ा दीजिए, जैसे ही कदम बढ़ाएंगे पूरे रास्ते खुल जाएंगे ना। होता है देखिए ना कैसे हम लोग करते हैं, अरे आगे आसमान तो जमीन में सटल है, आगे जगह नहीं है, लेकिन जाते जाते हैं और रास्ता बनते जाता है कि नहीं। बस कदम बढ़ाने भर आपकी देर है, कदम जैसे ही बढ़ाएं पूरा दुनिया आप ही की है कि नहीं। तो कदम बढ़ाइए, चलिए और बोलिए। क्या हुआ, तू निकालता है बार। कौन सा प्रश्न है बोलो बाबू, 9 नंबर लो, 9 नंबर log 2 to the power a बराबर 4 - log 2 to the power 4 अगर है तो x का मान पूछ रहा है, तो x का मान क्या होगा। देखो सॉल्व कर लेते हैं बाबू, देखो इसको कुछ ज़्यादा करना नहीं है, देखो क्या कर सकते हैं, इसको log हाँ x ना है, लिख दिए प्रश्नों गलती का जी, अच्छा एक है मान लो, तो प्रश्नों देखा करो तुम लोग ठीक ना। तो log 2 to the power लिख सकता है, अब इधर प्लस में इधर माइनस में है, इधर प्लस में चल जाएगा, प्लस log 2 to the power क्या लिख सकते हैं, 4 बराबर 4। अब यहाँ देखो log, कोची कोचे मोबाइल बोलने लगता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिख देंगे कि सुनो ना, 2 to the power a कैसी बोल रही हो है ना, 2 to the power a अब प्लस log 2 तो बेस है ये है, और 2 के पावर 2 होगा ना 4 के बराबर 4। आगे देखो log a to the power 2 अभी पावर नीचे पीछे चल जाएगा यहाँ, तो प्लस 2 और log 2 to the power 2 बराबर कितना है 4 होगा ना बाबू। देखो log अगर 2 के पावर 2 रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ क्या होगा log, अरे यार यहाँ पे गड़बड़ है लगा यार, a to the power 2 होना चाहिए लगता है कि हम गलती लिख दिए का। देखो तो प्रश्न 2 के पावर a है, तो 2 के पावर तो यहाँ गड़बड़ ना है, यहाँ पे गड़बड़ आ गए, 2 के पावर a है क्या है ना। देखो log 2 के पावर a अब प्लस 2 × 1 लिख सकते हैं ना बराबर 4। आगे बढ़ा देते हैं, log 2 to the power a बराबर 2 होगा ना, घटेगा तो अब a का वैल्यू पूछ रहा है, तो a बराबर क्या होगा 2 के पावर 2 बराबर 4 आंसर ना होगा आंसर, क्योंकि log जो रहता है और इसको a का वैल्यू पूछना होता तो ये बेस में इधर चला जाता है, तो 2 के पावर 2 बराबर क्या होगा 4 आंसर होगा। बिना फार्मूला बोले ना, फार्मूला अगर याद हो गया तो समझिए कि इसको चटनी में बुरा दीजिएगा, लेकिन फार्मूला समझ में नहीं आया होगा कैसे यूटिलाइज करना है, इसको कैसे बनाना है। चलो 10 नंबर देख लेते हैं, चलो 10 नंबर देख लेते हैं। कहने गया प्रश्न कहाँ चला गया, देखो 10 नंबर में दिया है कि यदि प्रश्न क्या 10, यदि a to the power x c to the power -2x बराबर b 3x के पावर 1 है हो तो x का मान क्या होगा, यही ना पूछ रहे बाबू। तो चलो देख लेते हैं, इसको आपने सोचे तो क्या क्या हम इसको कर सकते हैं, दोनों तरफ log लेंगे तो कोई दिक्कत है, दोनों तरफ log लेने से अगर दोनों तरफ से किसी नंबर से जोड़ दीजिए, किसी नंबर से घटा दीजिए, किसी नंबर से गुना कर दीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे अगर लॉगरिथम बना रहे हैं हम लोग तो क्या लिख सकते हैं, log a to the power x और c to the power -2x है ना, और बराबर log b to the power 3x + 1 कर सकते हैं ना आराम से, जैसे खाली दोनों तरफ log ली है। अब देखो जब log रहेगा
तो क्या करता है, गुना चीज क्या होता है, बढ़ जाता है तो बन जाता है क्या चीज, जोड़ बन जाता है ना। तो क्या कर सकते हैं, log a टू द पावर x और प्लस log c टू द पावर माइनस टू एक्स कर सकते हैं कि नहीं। क्या चीज, अच्छा रुको है ना, अब ये आगे देख लो, इसके आगे क्या कर सकते हैं, ये आगे चल जाएगा ना बाबू, ये पावर में तो कहाँ चल जाएगा, आगे, तो 3x प्लस 1 log b ऐसे होगा ना। अब एक चीज आप लोग सोच रहे होंगे कि log a टू दी पावर b टू दी पावर अगर n रहता है तब n log a टू दी पावर b होता है, ये वाला तब इधर जाता है, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है, आधार कुछ नहीं, तो क्या मानेंगे, 10 मानेंगे, आधार बेस में तो कुछ नहीं दिया है, तो इसका मतलब नीचे इसका कुछ है, इसका नीचे भी कुछ है, यानी कि कौन कुछ जो है क्या है, 10 है ना। तो इसलिए हम क्या कर दिए, इसको पहले गुना में था, जो गुना में था तो क्या बदल गए, जोड़ में, अब इधर क्या हो गए, पावर मतलब पीछे आ गया, इसके इस फॉर्मूला के अनुसार आया ना। तो चलो आगे देख लेते हैं, अब आगे क्या कर सकते हैं हम कि a पावर में है तो क्या लिख सकते हैं इसको, log a टू द पावर x प्लस माइनस 2x हो जाएगा अभी, क्योंकि इज आगे जाएगा तो माइनस 2x और माइनस प्लस जुड़ेगा तो माइनस हो जाएगा, और log c अब बराबर इसको गुना करिए तो कितना होगा, 3x log b और प्लस log b, ये ना पूछ रहा है बाबू। अब हमको पूछ रहा है प्रश्न में x का वैल्यू पूछ रहा है x का वैल्यू, तो x का वैल्यू निकालने के लिए हमको x को एक तरफ लिखना चाहिए कि नहीं, कौन e, e से गुना हुआ इसमें, तो पहले log b से 3x में गुना होगा तो log 3x भी होगा, अब फिर इसे एक में गुना होगा तो log 3 भी log b केवल होगा कि नहीं होगा। तो देखो b वाला को एक तरफ लिख दीजिए, अब एक सवाले को एक तरफ लिख दीजिए, तो आगे देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग कि e वाला को इधर e x में है ना, ये वाला इधर भेज देते हैं, ये वाला इधर भेज देते हैं, क्या यहाँ हो जाएगा log a टू दी पावर x और माइनस log b हो जाएगा, अब बराबर 3x log b और प्लस 2x log c होगा कि नहीं होगा। आगे देख लीजिए, log a टू दी पावर x माइनस log b, अब यहाँ कॉमन ले सकते हैं ना, x दोनों में मौजूद है तो x कॉमन लें तो क्या हो गया, 3 log b और प्लस 2 log c, यही तो होगा। अब x का वैल्यू पूछ रहा था, इसको भाग में भेजा देंगे, तो देखते हैं भाग में भेजा के, तो x का वैल्यू क्या हो गया मेरे पास, log a टू दी पावर, अरे x ही छूट गया है तो आखिर ये x तो ओकरे में रह जाएगा, फिर तब तो गड़बड़ हो गया, रुक जाओ देख लेते हैं। तो देखिए इसको आगे और क्या कर सकते हैं, आगे ये वाला पावर है तो इसमें आगे x तो आ ही जाएगा ना, आएगा ना, एक स्टेप यहाँ से मिटा कर लेते हैं, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे लिख सकते हैं x log a माइनस log b बराबर 3x log b प्लस 2x log c। देखो अभी भी इधर एगो x है तो इसको भी उधर हमको भेजाना चाहिए, तब तो कॉमन सब में से निकाल के हटाएंगे, क्योंकि x का वैल्यू हमको पूछ रहा है ना, तो x को एक जगह लाना होगा, तब कॉमन लेकर के आंसर हम ला सकते हैं। तो यहाँ पे आगे कैसे कर सकते हैं देख लीजिए, आगे कर सकते हैं हम कि देखो इसको हम इसको उधर भेजते हैं तो क्या होगा मेरे पास, माइनस log b और बराबर 3x log b और प्लस 2x log c माइनस x log a होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इधर प्लस था तो उधर चला गया तो माइनस में हो गया। अब हमको सब में दिख रहा है मौजूद है क्या, x तीनों में मौजूद है ना, तो माइनस log b बराबर हो जाएगा, x कॉमन लेंगे
तो क्या बचेगा, थ्री लॉग बी प्लस टू लॉग सी माइनस लॉग ए होगा ना। अब ये सब एक्स का वैल्यू पूछ रहा था तो बट्टा में कर देंगे, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस लॉग बी बटा थ्री लॉग बी प्लस टू लॉग सी माइनस लॉग ए, यही आंसर दिया है। माइनस को हटाएंगे तो हो सकता है ई में गुना कर देंगे तो हो जाएगा काम, तो ई वाला में गुना करेंगे, अगर करेंगे तो क्या होगा, एक्स बराबर हो जाएगा लॉग बी, तो देखो यहाँ माइनस से गुना करेंगे तो सब ई प्लस में हो जाएगा, बाकी दोनों माइनस में हो जाएगा, तो लॉग ए माइनस थ्री लॉग बी माइनस टू लॉग सी, यही आंसर आएगा। समझ में आया बात, हो सकता है ये स्टेप आगे पीछे हुआ तो क्या अंतर है, बात एक ही हुआ ना। तब तो यहां से क्या हुआ, इसको हटा के नीचे माइनस को ला सकते हैं डायरेक्ट, कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए कोई नंबर है माइनस बी बटा तीन है इसे देख, तो हम इसको अगर ऊपर नीचे दोनों में अगर माइनस से गुना करेंगे तो कोई अंतर है, तो ऊपर में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस बी और बटा और माइनस में तीन से गुना करेंगे, ऐसे कर देंगे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो गया नीचे माइनस हो जाएगा, तो वही माइनस नीचे आ गया तो माइनस से फिर गुना कर देते, इतना आंसर आया। फिर से समझना जरूरी है क्या, आनंद को फिर से बार बार समझना होता है। चलो देखा देते हैं फिर से, इस सब का इतना वैल्यू दिया है तो एक्स का मान पूछना था इसको, है ना, अगर कुछ नीचे नहीं है तो उसको मानेंगे क्या पावर में, आधार क्या मानेंगे, 10 मानेंगे, तो लॉग 10 ये तो दोनों तरफ लॉग ले लिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये दोनों गुना में है पावर इसका, तो जोड़ में बदल सकते हैं गुना वाले को लॉगरिथम के नियम से, इसको तो पावर में जो आगे रहता है वो आगे आ जाता है, ये तो जानते हो। इसके बाद देखो इसको छोड़ दिए वहीं, अभी पावर में है तो माइनस टू एक्स हो जाएगा, अब माइनस यहाँ पे पहले प्लस रहता, यहाँ पे रहता प्लस, अब प्लस और माइनस गुना होगा तो माइनस हो जाएगा, तो लॉग सी हो गया बराबर ही गुना हो गया तो थ्री एक्स लॉग बी प्लस, फिर एक्स गुना करेंगे तो लॉग बी हो जाएगा, है ना। तुम भटक रहे हो क्या आनंद, दिमाग बोर्ड पर रखो ठीक है, तो लॉग ए टू द पावर एक्स छोड़ दिए वैसे ही। इसके बाद हम देखें कि एक्स को हमको एक तरफ करना है, तो इधर वाले लॉग बी वाला जो था इधर आ गया, अब इसमें एक्स मौजूद था तो इधर पहुंचा दिए इसको, क्योंकि माइनस में था तो इधर जाएगा तो प्लस में चल जाएगा, इधर प्लस में था तो इधर माइनस में आ गया, और थ्री एक्स लॉग बी पहले से ही है। इसके बाद आगे देखें कि ये कोई और छूट गया एक्स, इसको पावर में है तो इसको पीछे कर दिए, है ना, अब माइनस लॉग बी अब पूरा उतार दिए, फिर सेम टू सेम, अब देख रहे हैं कि अभी एगो और इधर एक्स बच गया तो इसको भी एक तरफ लेंगे तभी सब में कॉमन ले सकते हैं, तो इसको भी उधर भेज दिए तो माइनस लॉग बी इधर बच गया, उधर भेजे तो इतना आया, क्योंकि प्लस में था यहाँ तो वहाँ चला गया तो माइनस में हो गया। अब यहाँ तीनों में x मौजूद है तो x कॉमन लिए तो थ्री लॉग b हो गया, और फिर यहाँ x खत्म हो गया तो टू लॉग c हो गया और माइनस लॉग a हो गया, तो x का वैल्यू क्या निकालेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे तो इसका बट्टा हो जाएगा, ये सब होगा कि नहीं, गुणा में तो भाग में चला जाएगा तो माइनस में, लेकिन है लेकिन आंसर हमको माइनस में नहीं दिया प्लस में दिया है, तो माइनस से क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे दोनों में तो माइनस माइनस ऊपर प्लस हो जाएगा, अभी में माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा, ये वाला प्लस हो जाएगा माइनस वाला, और जो इतना भी प्लस वाला था वो सब माइनस में हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया ठीक है। और बोलो प्रश्न 11 नंबर देखते हैं, पहले मिटा देते हैं इसको, इसके बाद 11 नंबर देखते हैं। तो इसको करने के बाद आज हम फिर नंबर सिस्टम जो है ना संख्या पद्धति उसको खत्म करेंगे, ताकि आप लोग कल बना करके आओ उसको ठीक है, कम से कम एक दिन में एक चैप्टर पूरा कंप्लीट होना चाहिए। एक चैप्टर कंप्लीट नहीं हो रहा है एक दिन में, रूल्स के साथ साथ उसका कहाँ दो दिन में हो रहा है, देखो लेकिन आज तो गांव में के तो आ गया है, हो रहा है कि ना, एक दिन में एक चैप्टर समाप्त हो रहा है समझो तब, क्योंकि एगो में एगो का आंसर बता रहे हैं, क्वेश्चन आंसर सोल्व करा रहे हैं, और एगो आगे वाला के रूल्स भी बता दे रहे हैं, तो एक दिन में एक चैप्टर हुआ ना, दो दिन में तो एक चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है। चलो आगे बोलो कौन सा था, 11 नंबर, 11 बोल रहे हो, चलो देख लेते हैं,
ग्यारह नंबर में है बाबू, देखो ग्यारह नंबर में है कि लॉग लॉग के टू द पावर एक्स, के टू द पावर एक्स और गुने लॉग तीन के पावर के है, तीन के पावर के है बराबर लॉग एक्स के पावर एक्स क्यू, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा यही पूछ रहा है ना। तो चलो देखो एक फार्मूला हम अभी लिखवाए थे, एक तो फार्मूला था, फार्मूला क्या हो गया देखते हैं। ऐसे था ना, एगो लॉग ए टू दी पावर क्या था एक्स था, बराबर था क्या लॉग ए टू दी पावर बी के पावर एक्स गुने लॉग आपको जितना था जी फॉर्मूला यह लिखा हो तो क्या था फॉर्मूला बोलो तो, यहाँ ए पर पावर बी था तो लॉग ए टू दी पावर एक्स बराबर इतना फॉर्मूला था कि दूसरा था ए पर पावर एम रहे या एक्स वही ना। अच्छा मान लीजिए पूरा फॉर्मूला लिखा हो तो क्या था बोलो तो, लॉग ए पर पावर एम बराबर लॉग बी के पावर एम इंटू लॉग ए टू पावर बी यही था ना। आना इतना पहले समझो ना, तो इतना तो दिया हुआ था ना, तो यानी कि हमको लॉग ए के पावर बी लिख दिए, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे लॉग ए के पावर बी और गुने लॉग बी के पावर एम ऐसे भी लिख सकते थे। तो यानी यहाँ वाला अब यहाँ वाला देखो आ रहा है ना, बी भी क्या हो रहा है ख़त्म हो जा रहा है, बी भी बाबू कैसे ख़त्म होगा देखो कैसे ख़त्म हो बता दें, देखो देखो बता रहे हैं इसको कैसे लिख सकते हैं लॉग बी बटा लॉग ए लिख सकते हैं ना, और गुने लॉग लॉग एम बटा लॉग बी कर सकते हैं, तो बी भी खत्म ना हुआ, खत्म हुआ कि नहीं हुआ। अब इसी को तो लिख सकते हैं लॉग ए के पावर एम, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो यही फार्मूला तो एक्स्ट्रा बी भी जुटा है तो लास्ट में तो खत्म हो सकता है ना, ये फार्मूला है ना। तो यहाँ पे भी हम उसी कर सकते हैं बाबू, देखो कि हम इसको देखो लॉग तीन के पावर के गुने लॉग के पावर एक्स लिख सकते हैं ना, और यहाँ यहाँ बराबर हो जाता है देखो ये वाला इसे ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब बराबर या आगे कुछ आगे इसको ला सकते हैं ना पावर को, तो थ्री लॉग एक्स के पावर एक्स हो गया कोई दिक्कत नहीं। तो देखो अब इतना बराबर क्या लिख सकते हैं हम लॉग तीन के पावर एक्स लिख सकते हैं ना, अब ये खत्म हो जाता है इसके अनुसार जो एक्स्ट्रा टर्म जुड़ा है के वाला, यहाँ के है वहाँ बी था तो बी खत्म हो गई, मौज करूँ तब तो क्या हुआ थ्री गुने वन हो गया, क्योंकि x की पावर x रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होता है वन होता है कि नहीं होता है। तो अब यहाँ x का वैल्यू पूछ रहा है तो x बराबर क्या होगा तीन के पावर तीन, तो x के बराबर नौ आंसर आएगा, अच्छा सताईस, हाँ तीन तीन नौ नौतिया सताईस, चलो ये आएगा आंसर, समझ में आए बात, देखते हैं होगा तो देते हैं। तो समझ में आया बाबू कोई दिक्कत इसमें हुआ, ये फॉर्मूला याद रखो कि a टू दी पावर m बराबर b टू दी पावर m गुने a टू दी पावर b, इतने तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो यही तो हुआ कि फार्मूला था a टू दी पावर m, तो a टू दी पावर m ये दोनों कट जाता है इस ऐसे करने के बाद, है ना, कि log b टू दी पावर एक log b टू दी पावर एक गुने log m टू दी पावर m b, बट कट गया बचा क्या log a टू दी पावर m, होगा कि नहीं। तो यहाँ सताईस आंसर आएगा कोई दिक्कत, चलो और बोलो प्रश्न, बारह भी अभी तो ग्यारह बताए ना जी, बोलो जल्दी आगे कौन सा देखो बारह नंबर में क्या है बाबू, बारह नंबर में, बारह नंबर में है यहाँ पे बारह नंबर प्रश्न है कि लॉग एक्स प्लस लॉग टू आई बराबर लॉग लॉग एक्स प्लस टू आई,
है ना, केवल तभी होगा जबकि, ऐसे बोल रहा है, केवल तभी होगा जबकि, क्या बोल रहे हैं दोस्त? केवल तभी होगा जबकि, हाँ जबकि चार गो ऑप्शन है, चार गो ऑप्शन है कि जबकि कौन मिलेगा, एक्स सामने एक्स का वैल्यू दे ले जी, हैं चलो तो वो चीज तो दिख रहा है ना कि दिया है एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग टू ए टू वाई बराबर उतना दिया है, दिया है ना। चलो आगे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग कि जब फॉर्मूला आप लोग जानते ही होंगे कि लॉग ए टू दी पावर एम एन रहता है, इसको लिख सकते हैं लॉग ए टू दी पावर एम प्लस लॉग ए टू दी पावर एन, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब इसी चीज को हम इतना भी लिख सकते हैं, अगर नीचे कुछ नहीं दिया रहेगा तो क्या मानेंगे, दस मानेंगे, कुछ नहीं रहता तो दस मानते, मानते ना। तो यहाँ भी नीचे कुछ नहीं दिया है तो क्या होगा, दस होगा, इसका मतलब है कि यहाँ भी क्या होगा, दस, यहाँ भी होगा क्या, दस, यहाँ भी होगा क्या, दस, है कि नहीं। अब देखो देखो यहाँ पे, देखो देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कि एट अगर प्लस में तो गुणा में नहीं बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लॉग टेन टू दी पावर क्या हो जाएगा टू एक्स वाई। अब लॉग लिखिए चाहे ना लिखिए बात बराबर है, हाँ दस लिखिए चाहे ना लिखिए बात बराबर है, लॉग टू एक्स वाई हो जाएगा ना। अब यहाँ पे दिया है क्या, लॉग एक्स प्लस टू वाई दिया है, ये है, और नीचे कुछ नहीं तो क्या मानते हैं हम, दस मानते हैं। जब आधार बराबर रहता है तो पावर बराबर हो जाता है, तो देखिए क्या हो जाएगा, टू एक्स वाई बराबर हो गया एक्स प्लस टू वाई हो गया। तो अब एक्स वैल्यू ऑप्शन देखिए कैसन है, तो ऑप्शन देखना होगा पहले कैसन है। तो देखिए एक तरफ सब में एक से एक से मौजूद है, एक्स बराबर सब का ऑप्शन दिया है कि एगो में दिया है कि एक्स बराबर दिया है कितना, थ्री वाई बटा थ्री वाई माइनस वन, फिर एक्स बराबर दिया है टू वाई बटा टू वाई माइनस वन, इसी तरह एक्स एक्स का वैल्यू दिया है। तो हम भी एक सोचेंगे कि एक तरफ एक्स को निकालने में, तो हम क्या कर सकते हैं, टू एक्स वाई माइनस एक्स बराबर टू वाई लिख सकते हैं ना। अब एक से एक दोनों में मौजूद है, अगर हम लोग वाई का वैल्यू इधर रखता कि वाई वाई बराबर देता, तो वाई को एक तरफ कर देते। तो देखिए क्या करते हैं हम, एक्स कॉमन लेंगे तो क्या हो गया, टू वाई माइनस वन बराबर टू वाई, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, टू वाई बटा टू वाई माइनस वन, ये हमारा आंसर आ गया, जो इस जो ऑप्शन होगा वो आंसर हो गया। जितने सारे स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं वो अपना बुक खुद खरीद ले अरिहंत प्रकाशन का, है ना, और उसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो और प्रश्न भी यहाँ से सोल्व कर सकते हो। तो चलिए आप बोलिए, और कौन सा इस समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत है कि पावर कुछ आधार कुछ नहीं था तो क्या मानते हैं, दस मानते हैं। अभी देखिए पहले जोड़ में था तो किस में बदल गया, गुना में, लगो इसके नियम के अनुसार, ये नियम के अनुसार इस नियम से गुना में बदल गया कि जब गुना को जोड़ कर सकते हैं तो जोड़ को फिर गुना कर सकते हैं। चलो बोलो आगे, क्या कर रहे हो जी आनंद, क्या कर रहे हो तुम, मोबाइल से क्या देखते हो जी, किताब जब वहीं पे है तो छीन ले रहा है, अंधेरा हो जा रहा है, देख ले रहा है तो कि तुमको भी दिखेगा उसको भी दिखेगा, देख लो उल्टी सोचता है, कोई सोचता है किताब है ये तो मोबाइल से क्यों पढ़े, ऐसे होता है मोबाइल है ये तो किताब से क्यों पढ़े। बड़ी हार्ड नहीं है, खाली आपको फॉर्मूला याद रहेगा, उसको यूज करना है, समझे बात। बोलो आगे प्रश्न बाबू, तेरह नंबर, देखो तेरह भी बहुत आसान है, देखो खाली फॉर्मूला अगर आपको मालूम रहेगा तो याद आसान है। देखो सत्रह तेरह का सात लॉग दस के पावर कितना है, सोलह बटा पंद्रह, और प्लस पांच लॉग
10 के पावर 25 बटा 24 है और प्लस 3 लॉग 10 के पावर 81 बटा 400 है। तो इसका मान पूछ रहा है का मान क्या होगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, कहने का मीनिंग है ये है इसका, है ना। तो देखिए सोल्व कर देते हैं। तो बाबू आप लोग जानते ही हो कि लॉग 10 के पावर क्या लिख सकते हैं, इसको 16 बटा 15 के पावर 7 लिख सकते हैं कि नहीं। आगे देखो प्लस लॉग 10 के पावर 25 बटा 24 के पावर 5 और प्लस लॉग 10 के पावर 81 बटा 400 के पावर 3। तो प्लस में तो सब गुना नहीं हो जाएगा, तो देखो क्या कर सकते हैं इसको, लॉग 10 के पावर 16 को क्या लिख सकते हैं बाबू, 2 के पावर 4 के पावर 7 लिख सकते हैं ना। तो 28 डायरेक्ट लिख दें, तो 2 के पावर यहाँ हो जाएगा 28 बटा इसको 15 क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 5 लिख सकते हैं, 3 बटा 5 तो 3 के पावर 7 होगा और गुने 5 के पावर 7 होगा। बोलो आनंद। तो इसी हिसाब के करेंगे, ये आ गया समझ में, तो इसी हिसाब के करना है। अब देखो क्या कर सकते हैं, गुना 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 5 के पावर 2, तो यहाँ 5 के पावर 10 लिख सकते हैं ना, 5 दुना 10। आगे देखो 24 को 8 24 कर सकते हैं, यू नहीं बुझा रहा है, 25 को लिख सकते हैं बाबू 5 के पावर 2। अब अगर हॉल 5 है ये है तो 5 दुना 10 नहीं होगा, 5 के पावर 10 है। अब यहाँ इसको लिख सकते हैं 3 गुने 8 लिख सकते हैं ना, तो 3 गुने 8 लिखेंगे इसको, 24 के हॉल 5 करेंगे तो अलग अलग इसको करेंगे तो 3 के पावर 5 हो जाएगा यहाँ पर ही। सॉरी बड़ा कर देते हैं, तो 3 के पावर 5 हो जाएगा अगुने 2 के पावर 15 होगा। कैसे 15 होगा कि 8 को 2 के पावर 3 कर सकते हैं और 5 से पावर गुना है तो 5 15। इसके बाद गुना कर दो, 81 है तो कितना होगा, 3 के पावर कुछ लिख सकते हैं 81 को, 4 कर सकते हैं, 3 के पावर के 4 81 होता है, 9 9 27 27 81, तो 3 के पावर 4 और 3 से गुना है तो 4 3 12, तो 3 के पावर 12। इसके बाद 400 है तो 400 क्या लिख सकते हैं, 20 गुना 20 लिख के, तो ऐसा 2 और 5 तो 3 के रूप में है, तो 2 और 5 में अंतर लिख सकते हैं इसको, 2 और 5 के रूप में 20 का पावर है, 20 में पावर होगा मतलब कि 20 का पावर 2 होगा, उसके अंदर 20 4 यानी 2 5 गुना 4। देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ एकरा में 4 कणों दिख रहा है, 2 2 दिख रहा है ना, तो 2 और 5 के रूप में इसको तोड़ेंगे। तो चलो हम करके देख लेते हैं लघुत्तम, तो 400 सबसे बढ़िया क्या होगा, 100 2 से 50 2 से 25 और 5 से 5 यानी 2 के पावर 4 रहेगा, 2 के पावर 4 और गुने 5 के पावर 2 और हॉल इसका कितना होगा 3, तो 4 3 8 यहाँ 12 अब 3 2 6 ये खत्म हो गया कोई दिक्कत। अब देखो गुना करना है क्या कि यहाँ 3 के पावर 7 है, 3 के पावर 5 है, 7 5 12, तो 3 के पावर 12 ये खत्म दोनों हो गया ना हुआ। इसके बाद देखो 5 के पावर 7 और 5 के पावर 6 7 6 13, यानी कि यहाँ पे बच जाएगा 5 के पावर 3 बच जाएगा, 10 है और 13 था तो 5 के पावर 3 बच जाएगा, बचेगा ना। इसके बाद देखो 2 के पावर 15 और 2 के पावर 12 12 15 27, यानी 2 के पावर 27 और 2 के पावर 28 है, यानी कटेगा तो खाली 2 के पावर 1 बच जाएगा ऊपर, कैलकुलेट खत्म हो गया ना। आगे देख लो तो क्या करते हैं, आगे करेंगे लॉग 10 टू द पावर कितना होगा, 2 बटा 3 के पावर 25, 3 के पावर 3 5 के पावर 3 रहेगा तो कितना होगा 125, यही तो हमारा आंसर है। यहाँ नहीं हुआ पावर, पावर सीधे सीधे काट देते कितना आसान होगा, गुना करते करते दिमाग खराब हो जाता आदमी के, नहीं होगा। तो चलो ये चीज हो गया, बात खत्म, समझ में आ गया ना। चलो आगे बोलो कौन सा प्रश्न पूछना है,
टाइम भी हो गया बाबू 7:30। न तो आप भी आए हैं तो छोड़ देते हैं, ठीक है। इसके बाद घर से बना के लाना, 2 को वीडियो बना देंगे और क्या इसका, ठीक है। अब आज पढ़ा देते हैं क्या वो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम है ना, उसका रूल्स लिखवा देते हैं। तो मेरे दोस्त, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, हेल्पफुल लग रहा होगा, तो वीडियो को सब्सक्राइब और दोस्त को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए आगे हम देखते हैं, इसको बंद करते हैं।